गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशांक चौरसिया आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉप 30 एमसीक्यू, जो आने वाले CBT2 एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन पर क्लिक कर ले। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड में D0 का आकार कितना होता है? तो ड्राइंग बोर्ड में D0 का आकार होता है 1500 × 1000 × 25 mm। 1500 उसकी लंबाई होती है, 1000 उसकी चौड़ाई होती है और 25 mm इसकी मोटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड में पट्टिकाओं यानी स्ट्रिप्स की संख्या कितनी होती है? तो ड्राइंग बोर्ड में पट्टिकाओं या स्ट्रिप्स की संख्या होती है 4 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक का आकार कितना होता है? तो ड्राइंग शीट में टाइटल बॉक्स का आकार होता है 185 × 65 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो किसी भी ड्राइंग शीट में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 1:√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ओवरलैप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिशी विमांकन प्रणाली जिसे अंग्रेजी में यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम बोलते हैं, में विमांकन कहाँ लिखा जाता है? तो एक दिशी विमांकन प्रणाली यानी यूनिडायरेक्शनल डायमेंशन सिस्टम में विमांकन जो होता है विमांकन रेखा के बीच लिखा जाता है। इसमें जो होता है डायमेंशन जो होता है वो डायमेंशन रेखा के बीच में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A0 A1 ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? तो A0 A1 ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई होती है 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट में पेंसिल की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है? तो ड्राइंग शीट में पेंसिल की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है? तो इसका आंसर है क्ले। जैसे जैसे अपन किसी भी पेंसिल में क्ले की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है, पेंसिल उतनी सॉफ्ट चलती है, पेंसिल उतनी बारीक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कौन सी वस्तु नहीं होती है? तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो होता है अपन स्केल का प्रयोग नहीं करते, स्केल उसमें नहीं रखी जाती क्योंकि स्केल का काम मिनी ड्राफ्टर या अन्य कोई इंस्ट्रूमेंट से ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदे की सहायता से सबसे कम कितने डिग्री का कोण माप सकते हैं? तो चांदे की सहायता से मिनिमम जो कोण माप सकते हैं वो होता है 0.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री हैंड स्केचिंग के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो फ्री हैंड स्केचिंग के लिए अपन HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं, जहाँ HB की फुल फॉर्म होती है हार्ट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंता और बाह कोणों का योग कितना होता है? तो अंता और बाह कोणों का योग होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमांकन रेखा को ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर रहना चाहिए? तो विमांकन रेखा अर्थात डायमेंशन लाइन जो होती है वो ऑब्जेक्ट से मिनिमम 5 से 8 mm की दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ड्राफ्टर का दूसरा नाम क्या है? तो मिनी ड्राफ्टर का दूसरा नाम होता है इंपीरियल मशीन। इंपीरियल मशीन का ही कोई अपन मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोण प्रक्षेप में फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? तो प्रथम कोण प्रक्षेप यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू जो बनता है वो टॉप व्यू के नीचे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन 1 मीटर की जिसे ड्राइंग शीट में 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है तो RF होगा, तो इसका RF होगा 1/100, जहां RF का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक सर्कल किस तरह दिखेगा? तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक सर्कल जो होता है वो एलिप्स की तरह दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल ब्लॉक में क्या नहीं दर्शाया जाता है? तो टाइटल ब्लॉक जो होता है उसमें सीट का साइज नहीं दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबकोणीय प्रक्षेप का दूसरा नाम क्या है? तो लंबकोणीय प्रक्षेप जिसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं उसका दूसरा नाम है मल्टी व्यू प्रक्षेप यानी मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट लाइन और सेंटर लाइन के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट लाइन और सेंटर लाइन के लिए जो होते हैं अपन वो 2H पेंसिल का प्रयोग किया जाता तो इसके लिए जो होते हैं अपन दोस्तों 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री कोण में दो समीपवर्ती कोणों का योग कितना होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री कोण में दो समीपवर्ती कोणों का योग होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनडेकागॉन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो अनडेकागॉन में भुजाओं की संख्या होती है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टभुज में
आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो अष्टभुज में आंतरिक कोणों का योग होता है 135 डिग्री, और आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी एफ किस प्रकार के अक्षरण को दर्शाता है? तो ए बी सी डी एफ जो है वो रोमन अक्षर को दर्शाता है, हम जनरली रोमन अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन में अक्षर की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो रोमन में अक्षर की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 7:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडर लाइन कितने कोण पर झुकी होनी चाहिए? तो लीडर लाइन जो होना चाहिए वो 45 डिग्री पर झुकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1:200 किस प्रकार की स्केल को बतलाता है? तो 1:200 जो है वो लघुकरण स्केल यानी रिड्यूसिंग स्केल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएएस के अनुसार कौन सी विमांकन पद्धति का प्रयोग करना चाहिए? तो आईएएस के अनुसार हमें संरेखीय, जिसे अंग्रेजी में अलाइंड बोलते हैं, उस पद्धति उन विमांकन पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग उपकरण किस धातु के बने होते हैं? तो ड्राइंग उपकरण जो होते हैं वो जनरली निकेल या पीतल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग पेंसिल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होता है? तो ड्राइंग पेंसिल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है षष्ठभुजाकार, जैसे इंग्लिश में हेक्सागोनल बोलते हैं।